सिर्फ सच न्यूज पर। ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं लालिया इंतजामिया आवारा कुत्तों को तलब करने में नाकाम। लालिया के नवाही इलाका अहमदवाला में आवारा कुत्तों के बर्बाद से वकील परेशान है। आवारा कुत्तों के काटने से इलाका वकीलों के मुताबिक जानवर हलाक हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल अस्कर मौजूद है, जानते हैं जी। बिलाल आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लालिया के नवाई गांव अहमद वाला में मौजूद हूँ, जहाँ गरीब शख्स के कीमती लाख रुपए के कीमती जानवर एक बावले कुत्ते के काटने की वजह से हलाक हो चुकी हैं और उसका काफी नुकसान हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है और किस तरह ये वाकया पेश आया। बस 12 जानवर हलाक हो चुके हैं, जिनमें बड़ी भैंस है 2-2 लाख की, तकरीबन 1 भैंस है, बकरियाँ हैं, बच्चे हैं, जो भी हमारे ज़रूरत, क्योंकि हम देहाती लोग हैं, देहात के रहने वाले, हमारा कारोबार ज़्यादा माल मवेशी के हमारा रोज़गार है, तो वो अलग और कुत्ते बहुत ज़्यादा बंदों को खतरा है, वो वायरस फैल रही है, बंदियों को भी खतरा है, इसलिए कोई हमारे पास तो ना कोई जानवरों की देखभाल के लिए आया, वैक्सीनेशन हो या कोई इलाज हो या कोई फर्जी तदाबीर बताई जाए, तो वो इस कुत्ते भी कुत्तों की भरमार है, ना वो कुत्ते को तलब करने आया, ना हमारी किसी ने मदद की, गवर्नमेंट का तकरीबन कोई आदमी हमारे पास नहीं आया, ऐसे वजह हमें परेशान है, क्योंकि हमारा जो गांव है ना वो नहर के साथ साथ और मेन जगह उधर, वैसे भी पानी की भी मसले मसाइल हैं, उस उधर से भी वायरस फैल रहा है, सेम है, गंदा नाला है, तो बरए मेहरबानी हमारी कोई हेल्प की जाए और ख्याल की जाए, जानवरों को कोई वैक्सीनेशन की जाए और आदमियों के लिए भी खासी तदाबीर बताई जाए या की जाए, तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ हमारा कुछ भरमार है, हमारा कुछ फिर रहे हैं, उनको तलाश नहीं किया जा सका, इसलिए हमारे जो मवेशी वगैरह हैं, वो गैर बंदे होते हैं, उनको वो काट लेते हैं और उनके काटने से हमारे लाखों के करीब लाखों के हिसाब से नुकसान हो चुका है और काफ़ी कीमती जानवर जो है हलाक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल अस्कर।